सावेर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की दौड़ में शामिल प्रेमचंद गुड्डू को कोरोना हो गया है। उन्हें इलाज के लिए इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आम लोगों को संक्रमित करता हुआ कोरोना नेताओं और मंत्रियों तक पहुंच गया है। अब सावेर उपचुनाव की दौड़ में शामिल प्रेमचंद गुड्डू को कोरोना संक्रमण हो गया है। प्रेमचंद गुड्डू को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गुड्डू के परिजनों के भी सैंपल लिए हैं। आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू को डायबिटीज है। कल रात उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है। स्वास्थ्य डॉक्टर पूर्णिमा ने बताया कि उनका इलाज इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है और उनके पूरे परिवार की जांच कर उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। कल शाम की रिपोर्ट में प्रेमचंद गुड्डू जी पॉजिटिव पाए गए, जो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। वैसे वो कोमॉर्बिड हैं, डायबिटिक हैं। फैमिली में और कोई भी टेस्टिंग की गई है? जी हाँ, जब भी पॉजिटिव होता है कोई तो फैमिली पूरी ट्रेसिंग में रखी जाती है, तो ट्रेसिंग शुरू हो गई है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लिए जा रहे हैं। उनके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं? कोई पॉजिटिव जी। आपको बता दें कि सावेर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू का नाम प्रमुखता से चल रहा है, हालांकि पार्टी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे वक्त में उन्हें कोरोना हो गया, जिसमें कांग्रेस महकमे में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।